तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, एक पार्टिकल ट्रेवल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस बी वी, वेयर ए यहाँ पे ए मेंशन है एक्सलेशन है, ए भी कांस्टेंट है, बी वेलोसिटी है, और ये भी दिया गया है इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में आता नीट वालों के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें करने से थोड़ा सा सीख मिलेगा। तो एक्सलेशन ए इक्वल टू ए माइनस बी, अब मैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो एक्सलेशन को मैं लिखूंगा डी वी ओवर डी टी, और यहाँ से मैं लिखूंगा ए माइनस बी बी, और ये पूरा जो ये वाला जो पूरा पार्ट है राइट साइड वाला, वो वेलोसिटी के वेलोसिटी इधर है, तो ये वाला जो टर्म है वो नीचे लाऊंगा इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि ए वी और ये आ जाएगा ए माइनस बी वी, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ इधर डी टी, क्योंकि इधर टाइम वाले वेरिएबल एक साथ और वेलोसिटी वाले वेरिएबल एक साइड हम लग कर लेते हैं, तब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जब समय जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में चला, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही तो हमें चाहिए। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला होता है वन ओवर डी एक्स ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन, अगर तुम देखोगे तो यह आ जाएगा लॉग ए प्लस बी एक्स, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है ना, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी अगर इनडिफिनिट है तो। ये अपना लॉजिक यहाँ पर लगा देते हैं, और अगर यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ तो ये आ जाएगा डे लॉग, यहाँ से देखोगे लॉग ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी, और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव माइनस बी, और यहाँ से प्रॉपर लिमिट यहाँ पे मैं चढ़ा देता हूँ जीरो टू वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इधर इंटीग्रेट करोगे तो टी, तो इधर इधर देखोगे लिमिट रखो माइनस ए माइनस बी बी और माइनस लॉग जीरो रखो, तो जीरो रखोगे तो ए ए बचेगा, और इधर माइनस बी टी ए चला जाएगा, तो इधर बचेगा लॉग ए अपान लॉग, पता होगा फार्मूला, ले लॉग ए अपान बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो इसको मैं लगाने जा रहा हूँ, तो अगर तुम देखोगे यहाँ से तो लॉग ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई लॉग यहाँ से ए आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस बी टी, हमें चाहिए भी, तो भी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से मैं ए माइनस बी बी अपन ए इधर रहने देता हूँ और उधर ले जाता हूँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ए, क्योंकि अगर देखो लॉग यहाँ से वाई अपन एक्स है और टी है इक्वल टू टी है, तो वाई अपन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ई टी यहाँ से, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स ई टी। आप ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप पढ़े होगे, तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ए माइनस बी वी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी टी। अब हमें वी चाहिए, तो ए माइनस ए ई की पावर माइनस बी टी दैट इज बी वी, तो यहाँ से जो वेलोसिटी वी दिखेगी, यहाँ से जो वेलोसिटी वी दिखेगी वो दिखेगी ए अपन बी वन माइनस ई की पावर माइनस बी टी, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो चीज़ है ए वन माइनस ई बी टी अपना सेकेंड ऑप्शन में मैच कर जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल था, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।